नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ दही और छाछ के साथ खाया जाने वाला जीरा मसाला पाउडर। एक बार इस तरीके से जीरा मसाला बनाइए जो छाछ और दही का स्वाद बहुत ही ज़्यादा दोगुना बढ़ा देगा। जीरा मसाला पाउडर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 100 ग्राम जीरा लिया है, कच्चा जीरा है। अब इसको भून लेंगे। भूनने के लिए गैस के ऊपर एक पैन चढ़ाएंगे। जब पैन गरम हो जाए, कढ़ाई गरम हो जाए, तब इसके अंदर जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से भून लेंगे। यदि यह जीरा पाउडर मसाला आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जीरे का कलर बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गया है, थोड़े ही देर में यह हो जाएगा। इस तरीके से बना हुआ जीरा मसाला पाउडर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है दही और छाछ के साथ मिलाकर खाने में। देखिए, अब जीरा भुना चुका है। इस गैस को बंद करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। इसको मैंने एक बर्तन में निकाल दिया था। जीरा अब ठंडा हो चुका है। इसके अंदर डालेंगे लगभग 50 ग्राम काला नमक। काले नमक को मैंने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया था, और 100 ग्राम के लगभग प्लेन नमक जो सब्जी वगैरह में डालते हैं वो डालेंगे। और सबको साथ में मिक्सर जार में इस तरह से एक पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए, बहुत ही फाइन पाउडर बनकर तैयार हुआ है। पीसने में कोई भी दिक्कत नहीं आती, आसानी के साथ पीसा जाता है। एक एयर टाइट डिब्बा लेंगे और उसमें इसे भर कर रख देंगे। आप इसे 1 महीना, 2 महीना, किसी कितना ही दिन यूज करें, यह खराब नहीं होता है। ढक्कन को अच्छे से लगा कर बंद करके रख लेंगे इस तरह से। और जीरा मसाला पाउडर को दही में मिलाएंगे और इसे सर्व कर लेंगे इस तरह से। ये पाउडर, जीरा मसाला पाउडर डालने से दही का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इसको आप छाछ में मिलाइए और दही के साथ खाइए, सबके साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। यदि यह रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर अवश्य करें।